बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, वायरस बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया। जी चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस कियो से जानदार की क्लासिफिकेशन मुतालिक, तो जगह जानदार जा पांच मुख्तलिफ किंगडम आहन, उन मुख्तलिफ किंगडम के अंदर मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हुआ। हाँ उन मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अस क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा से, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी शेप्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी डिस्कवरी के बारे में असो है। नेक्स्ट जो चैप्टर्स इंदा चैप्टर नंबर ये 4 आ 5 आ 6 7 8 तो इनमें अस मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सुण कंदे, उन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ाते, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाते, उनकी डिस्कवरी पढ़ाते, उनमें केतर टाइप जो ऑर्गेनिजम्स आन, उन शेप्स कड़ी उनके अंदर न्यूट्रिशन कें उन इंपॉर्टेंस कड़ी है, तो ये अस नेक्स्ट सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम आया। असो सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया का वी कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम एनिमल तई जे भी मुख्तलिफ किस्म ऑर्गेनिजम्स अचन था पाया, जड़ो क प्रोटोजोआ, साइनो बैक्टीरिया, अल्जाए, फंजाए, प्लांट्स, एनिमल्स, सज लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ जनरल कैरेक्टर, स्ट्रक्चर, उनकी शेप, न्यूट्रिशन, बेनिफिशेंट समवाट, जे भी रिजेम्बलेंस टॉपिक डिस्कस कंदे। हाँ इन लेक्चर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आन, तो इन लेक्चर के अंदर जो शई अस पढ़ासे उनमें नंबर पर्यों है डिस्कवरी ऑफ वायरस, जो वायरस असो वजूद में कें आयो, वायरस कें डिस्कवर कड़े तरीके से थो, कड़े ऑर्गेनिजम्स में या कड़े जो है प्लांट में या एनिमल में वायरस डिस्कवर थो, कहीं क्यों या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस थी वह वायरस या कड़ा कैरेक्टर्स आन, सेलुलर आ या नॉन सेलुलर आ, रिप्रोडक्शन कड़े किस्म थी, उनकी साइज केती है, हैबिटेट केतरी होंगी है, उन गुड उनकी रिप्रोडक्शन वगैरह समवाट काफ़ी जो कैरेक्टर्स आन एक्सप्लेन कंदे। नंबर 3 है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस की शक्ल सूरत या बनावट जो है वायरस की कें है, कड़े तरीके से वायरस की जो है वह स्ट्रक्चर होंगी है, तो ये अस टे जो अस मेजर टॉपिक हैं जैसे अस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स चाहूँ इन असाजे सॉरी लेक्चर नंबर 28 जा। नंबर पर्यों है डिस्कवरी ऑफ वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरस का पर्यों अस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा हल, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम जो हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके माइनट लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम जो विदाउट माइक्रोस्कोप अस नीस उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चवंदा असो हेटेरोजेनस ग्रुप ठहंदा, मतलब जैमें मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अची वह, वायरस अची वह, बैक्टीरिया अची वह, साइनो बैक्टीरिया अची वह, प्रोटोजोआ अची वह, यूनिसेलुलर अल्जाए सम फंजाए जो एकड़े ग्रुप में अची जैसे अस हेटेरोजेनस जैसे अंदर मन मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ मुख्तलिफ़ जेनेटिक मटेरियल वाला लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हूँ, जैसे तो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया जो अस प्रोकैरियोट्स हैं वह किंगडम प्रोकैरियोट्स में पढ़ा हूँ, बिहार जो भी असाजा माइक्रोवास माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जड़ो कि असाजा यूनिसेलर अल्जाए थी वो, सम फंजाए थी वह, यीस्ट थी वो, तो ये प्रोटोजोआ ये वे अस किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटो प्रोटिस्टा में पढ़ा हूँ, उनसा गड़ो गड असे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अस सिंपल जो लिविंग ऑर्गेनिजम वो असो बैक्टीरिया है, वायरस असो उनके प्रोमिनेंट अस लिविंग ऑर्गेनिजम न चई सकता हूँ, छे कारण तो उनमें उवे कैरेक्टर्स मौजूद ना एक लिविंग ऑर्गेनिजम में मौजूद हूँ, वो भी असो अगत नेक्स्ट टॉपिक है, उनमें डिस्कस कंदे तो वह वायरस के लिविंग छो चवंदा आयो नॉन लिविंग छो चवंदा आयो, पर इनमें कम टू द पॉइंट इन लेक्चर के अंदर इन टॉपिक के अंदर अस डिस्कवरी ऑफ वायरस है, वायरस जो है वो लैटिन वर्ड वायरन में वरत वो है जैसी माना है पॉइजन, ए वायरस जो वो सिमालेस्ट सिंपलेस्ट पर मोस्ट प्रोमिटिव जो लिविंग थिंग्स हैं, ये अस मन मकसूद तमाम पैर खी चाहूँ जो असा लिविंग ऑर्गेनिजम्स समवाट पूरा उनमें कैरेक्टर ना पर भी बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनको काफ़ी इंपैक्ट रो है, काफ़ी वो डिजीज स्प्रेड करन था पाया, काफ़ी उनको रोल रो है, भी अस उनके बायोलॉजी में
पढ़ा आयो। हाँ डिस्कवरी ऑफ जी ऑफ वायरस जैसे गाल क्यों तो पे असाजे माहौल में जो डिजीज होंद हु सज डिजीज बैक्टेरियल डिजीज होंद हु मतलब बैक्टेरियल डिजीज उच स्प्रेड थ्रो द बैक्टेरिया अड़ी डिजीज जो बैक्टेरिया स्प्रेड कर बैक्टेरियल डिजीज चटबो है जी मिसाल तौर अस ट्यूबरक्लोसिस वही या बो अस काफ़ी डिजीज हैं जो बैक्टेरिया का असर तो इन हवाले से तोबाकू प्लांट के अंदर एक जो है उन लीव्स के अंदर एक डिजीज स्प्रेड थी जो साइंटिस्ट के ढो पजल ढो परेशान किया। साइंटिस्ट यह शई कन्फर्म न पा कर सकन तो आया यह जो डिजीज है यह स्प्रेड थे थी पी थ्रू द बैक्टेरिया जैसे कारण तो उनमें बैक्टेरिया के हवाले से कई सिम्पटम्स मौजूद न हुआ तो वह बैक्टेरिया जो है कई हवाले से उन जो पॉजिटिव एजेंट उन न मिले पो उन न पे चीज सकन दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टेरिया। तो उन हवाले से ये खड़ी एक मिसाल अस दूँ तो असाजे क्लास में एकड़ो नंढड़ो शागिर्द है कड़ी किस्म शागिर्द है जो हरकती है का शई लिखाए तो पो करे तो पो हमेशा हर पोतान हर गाल उनती हो जहाँ भी क्लास के अंदर का रंग एक्टिविटी थे थी पी मतलब कहीं बार जो किताब वगैरह या पेन वगैरह लिखाण उन बार में साबित थे थी पी अस चुनाव तो भाई जहाँ भी चोरी थी जो भी मसलो मसाइल तो क्लास के अंदर चौदह फलाने बार जो है वह असि शई खई आई कारण तो नॉमिनेटेड वो हो ये खड़ी चौंत माना जो भी पे डिजीज होंद हु बैक्टेरियल डिजीज होंद हु स्प्रेड कह उ बैक्टेरिया कह हाँ जदि उन कन्फर्म थे तो पे तो बैक्टेरिया उनको पॉजिटिव एजेंट ना है जो मसाल तौर अस खी चौंत एक क्लास में चोरी थी तो तदें तो वो बार आयो ही ना वो तो बेन मानून के भी थोड़ो घो परेशानी थी तो वह जो बार चोरी करे तो पो हमेशा वो तो आयो ही को भी क्लास के अंदर का अड़ी रॉन्ग एक्टिविटी थी या का कई बार जी बुक जो गुम थी वही को या कहीं खाई तो इन हवाले से उन पे यो शक हो तो वह बैक्टेरिया हर शई करे तो पे हर डिजीज स्प्रेड करे तो पे पर ही जो मेन रीजन है वो बैक्टेरिया आए ही ना तो इन हवाले से वो उनको है असो आविनिस का नाले साइंटिस्ट जो है उन असो तोबाकू प्लांट में जो है का अड़ी शई जो ऑब्जर्व कई जो असि बैक्टेरिया का भी सिमालर हुई उनके जो है उन वायरस जो नालो दिनों चार कारण तो कुछ जो डिजीज है जो तोबाकू मोज़ेक डिजीज है जो नालो भी रखे वो TMV तोबाकू मोज़ेक डिजीज जो तोबाकू प्लांट के लीव्स के अंदर गोली वही 1892 के अंदर रशियन बायोलॉजिस्ट आविनिस्का जो है उन यह शई शो कई तो कुछ अड़ा सस्टेंस जो बैक्टेरिया का भी नंढड़ा जे इ किस्म की जो डिजीज स्प्रेड कर सकन था पो इन हवाले से यह शे अना कोई कन्फर्म न हुई छे तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नजर न पी अचे पर जैसे 1935 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड कई वही थ्रू द व्लादिमीर ज़ोरकिन एंड एरिन इर्स्का पो इन जो है आविनिस्का जैसे इन्फेक्टेड पार्टिकल माना तोबाकू प्लांट जहाँ जो इन्फेक्टेड लीफ हुआ उनकी जैसे उनमें जानकारी कई तो उनके जो उतने ऑब्जर्व थो तो ये जो टिन्नी पार्टिकल्स हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम ना उन इन्फेक्टेड पार्टिकल्स के अंदर जो टिन्नी पार्टिकल्स उनके ऑब्जर्व थिया उनके उनको है वायरस जो नालो दिनों जो है जो अस वेरी क्लियरली जो है एक्चुअली जो अस नजर अचे तो विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इन हवाले से मतलब पे अस डिजीज उ बैक्टेरियल डिजीज होंद हु आविनिस्का नाले साइंटिस्ट तोबाकू लीफ में एक TMV वायरस जो है उन डिस्कवर किया जैके नाल जो है उनके तोबाकू मोज़ेक वायरस जो नालो दिनो असके बुधायो तो बैक्टेरिया का अलावा भी बिया अड़ा टिन्नी पार्टिकल्स हैं परमानेंट वायरस के लिविंग न चवंदे टिन्नी पार्टिकल्स हैं जो डिजीज स्प्रेड करन था पाया उनका बाद गाल क्यों था पाया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस पहले डिस्कवरी ऑफ वायरस हाँ नंबर टू है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस वायरस के जनरल कैरेक्टर्स उड़ा वायरस इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स वो पे यो है तो नॉन सेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट हैं जैमें एक प्रोटीन कार्ट मौजूद होंगी है न्यूक्लिक एसिड कोर मौजूद होंगी है माना वायरस कें किस्म जो उन सेल मौजूद न होंद आया
ना उनमें को यूनिसेलुलर सेल आ ना को मल्टी सेलुलर सेल आ, माना वो नॉन सेलुलर उनमें सेल मौजूद ना है। उनसा गो गर वो उनमें एकड़ी प्रोटीन कार्ड स्ट्रक्चर के हवा से एक आउटर लेयर मौजूद होंगी है या उनमें जेनेटिक मटेरियल जो स्टोर होंगे एक न्यूक्लिक एसिड कोर के अंदर। उनसा गो गर वे ओब्लिगेट पैरासाइट हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट उनके सडबो है दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट लिव विदआउट होस्ट, माना अड़ा टिनी पार्टिकल्स अड़ा ऑर्गेनिजम्स जे होस्ट का सवा न रही सकन उनके अस ओब्लिगेट पैरासाइट छींदा हूँ। हर कारण तो फ्री टोटली पैरासाइट हूँ जो होस्ट का सवा न रही सकता है। वायरस असो एक्टिव भी तरह जैसे कहीं पेरेंट जैसे भाई होस्ट की बॉडी में अचे तो पो। नंबर टू जो करेक्टर है तो वायरस जो उ लिव एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड द लिविंग सेल्स, छे कारण तो उनके ये एबिलिटी न होंगी है तो वह पाँच पा कुछ भी न कर सकता। दे लैक द एबिलिटी टू डू सो बाय देयर सेल्स, पैं पा उ कुछ भी न कर सकता तो वे नॉन सेलुलर हूँ। उनसा गो गु उ जिंदा जो है जिंदा भी ना रही सकन रिप्रोड्यूस भी ना कर सकन विदाउट द हेल्प ऑफ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ होस्ट। साइज की गाल क्यों तो उ 20 नैनोमीटर का 250 जो है वो नैनोमीटर उनकी साइज होंगी है। उनसा गो गु उनमें कें किस्म की सेक्शुअल या असेक्शुअल रिप्रोडक्शन वायरस के अंदर नींदी है। वायरस जो रिप्रोड्यूस थे तो पे वो थ्रू द रिप्लिकेशन थे तो पे, तो माना उनमें कें किस्म की सेक्शुअल या असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जहाँ जनरली प्लांट एनिमल में पढ़ा हूँ उ में नींदी है। वायरस जो रिप्रोड्यूस थे पाया वो थ्रू द रिप्लिकेशन, माना पान जड़ी बी कॉपीज ठेंदा। वायरस की जैसे रिप्रोडक्शन की गाल क्यों तो वायरस जो असाजा जी मुख्तलिफ़ उन बॉडी पार्ट्स हैं उ बॉडी पार्ट्स पे जो कें भी पेरेंट बॉडी में वही उनको डीएनए जो है इस्तेमाल करें उनका मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स जो मिसाल तौर उनकी न्यूक्लिक एसिड कोर थी वही प्रोटीन कार्ड थी वही या पाँच कैप्सिड थी वही कैप्सोमर्स थी वह काफ़ी जो पार्ट्स हैं उ माना घनी तादाद में जो है वो सिंथेसाइज़ कर हाँ जैसे काफ़ी पार्ट्स जो घनी तादाद में सिंथेसाइज़ करें तो पो उन बाद में जैसे उन होस्ट के सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन जो है उनके बर्स्ट करें तो उनमें जो मुख्तलिफ़ उन जे उए पार्ट्स पाँचा सिंथिसाइज करें तो पे उन असेंबलेज कह असेंबलेज माना पान में मिलो ये खड़ी जनरली गाल क्यों तो अस ये मोटरसाइकिल थे थी पी तो मोटरसाइकिल पूरी कंप्लीट मोटरसाइकिल न ठंडी है पे उन मुख्तलिफ़ पार्ट्स ठादा पार्ट्स ठीक कर असेंबलेज थी पार्ट्स के गडाइबान तो वायरस की रिप्लिकेशन है जो ये पार्ट्स उन तरीके से सिंथिसाइज़ उन होस्ट सेल के अंदर असेंबलेज थी। वेल कम टू द पॉइंट उनका बाद में उ होस्ट सेल जो एंजाइम जो इस्तेमाल कह प्रोटीन सिंथिसाइज कर जीन रिप्लिकेशन कर माना पान जड़ी बी कॉपी ठाण ला पान जेनेटिक मटेरियल सिंथिसाइज कर होस्ट जो एंजाइम इस्तेमाल कह प्रोटीन भी ठेंदा जीन रिप्लिकेशन भी कह उनसा गो गु एतरा त इस्तेमाल हैं तो उसे ईजिली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व थी सकन था पाया। उनका गो गु करेक्टर्स जो शो करन था पाया वायरस बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, छा उनमें अड़ा करेक्टर मौजूद हैं जो बेन लिविंग में मौजूद हूँ अड़ा करेक्टर भी मौजूद हैं जो बेन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हूँ। उनसा गो गु स्ट्रक्चरल की गाल क्यों तो उनमें को प्रोमिनेंट सेल जो वो मौजूद न होंद उल उ प्रोटीन है न्यूक्लिक एसिड ज माना उनमें जो असाजा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन है न्यूक्लिक एसिड है। उनसा गो गु कें भी ऑर्गेनिजम में जैसे एक्टिव इंटर थींदा तो उ रिप्रोड्यूस लिविंग ऑर्गेनिजम्स वागुर पे जो है विदाउट होस्ट उ रिप्रोड्यूस या लिव ना थी सकन। उनका बाद में वो क्रिस्टल्स वांगुर असें नजर इंदा नी जे आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट ना रिप्रोड्यूस कह ना ही सर्वाइव कर सकता नी तो इन हवाले से ये जनरल करेक्टर्स ऑफ द वायरस हुआ या एग्जांपल ऑफ वायरस चाहूँ अस टीएमवी तोबाको मोज़ेक वायरस पोलियो वायरस या एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस या बैक्टेरियोफेज वायरस जो बैक्टेरिया के नुकसान पहुँचाए ये अस काफ़ी वायरस जहाँ एग्जाम्पल हैं। नंबर थ्री स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के हवाले से गाल क्यों तो उ स्मॉल रॉड्स वाली कान हूँ जो ट्यूबलाइट हुई नंढड़ी रॉड्स टेडपोल जो असि स्ट्रक्चर अगत है जी असि सॉरी
टोबैको मोज़ेक बैक्टीरियो फेज वाली जो डायग्राम दिसो था पा नई नंबर पर्यो यह पे डायग्राम जो है यह असि टेडपोल जो है स्ट्रक्चर है जो असि बैक्टीरिया बैक्टीरियल वायरस जो मतलब बैक्टीरिया के नुकसान पहुंचाए तो उनके बैक्टीरियो फेज चलो है और टीएमवी वायरस जो पढ़ी आया टोबैको मोज़ेक वायरस जो टोबैको प्लांट के इन्फेक्टेड करे तो पो है एचआईवी वायरस जो इंसान की जे अंदर एड्स जो है वो प्रोड्यूस कह तो इन हवा से ये स्ट्रक्चर के हवा से रॉड टेडपोल और पॉलीहेड्रास या स्मॉल स्पेयर्स वगुर उनकी स्ट्रक्चर होंगी है उन गो ग उनके पार्ट्स की गाल क्यों तो उनके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड एनवलोप प्रोटीन कार्ड और उन एंजाइम्स आरएनए प्रोटीन्स डीएनए वगैरह मुख्तलिफ ये सब्सटेंसिस या मॉलिक्यूल्स मौजूद होंदा जैसे गाल स्ट्रक्चर के हवा से जीन्स की प्रेजेंस असेंगे सिंपल वायरस के अंदर चार जीन मौजूद होंदा जैसे तो कंप्लेक्स के अंदर 200 का वायरस जीन्स मौजूद होंदा जैसे गाल स्ट्रक्चर के हवा से तो जो प्रोटीन कार्ट है वह न्यूक्लिक एसिड के जो है इनक्लोजिस करे थी पी जैसे कैप्सिड चलो है मुख्तलिफ शेप्स जहाँ होंदा कैप्सिड असो अड़ो सब्सटेंस है या जो असो कैप्सूमर्स या प्रोटीन सब यूनिट्स जो कैप्सूमर्स चवंदा उनको सेंटिसाइज है हर कैप्सिड के अंदर जो कैप्सूमर की तादाद है बेसिकली कैप्सूमर सब यूनिट ऑफ प्रोटीन्स कुछ उनकी जो अमाउंट या तादाद है वह डिपेंड करे थी पी दी एक्टिविटी ऑफ वायरस वायरस जो केतरी एक्टिविटी है उन हवा से उनमें कैप्सूमर्स मौजूद होंगे हर एक वायरस के अंदर कैरेक्टर्स के हवा से स्पेसिफिक या मखसूस अमाउंट में कैप्सूमर्स मौजूद होंदा जो कैप्सिड के अंदर होंदा कैप्सिड जो है वो इनक्लोजिस होंगी है प्रोटीन कार्ड के अंदर कुछ वायरस के एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर या एसेसरी स्ट्रक्चर अस खी चूँ वह भी मौजूद होंगी है जो उनके होस्ट का प्रिवेंट कहती है ये ना लेने के देने पड़ जाए वायरस जो है नुकसान पहुँचाने वे तो बे कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या असाजी बॉडी के सेलन के ये न थे उतने बो को माइक्रो ऑर्गेनिजम मौजूद हुए वो जो है उन वायरस के जो इन्फेक्टेड कर सके या असा जी डब्ल्यूबीसीज आज उनके नुकसान पहुँचाएं तो कुछ वायरस के अंदर जो है एक एसेसरी स्ट्रक्चर मौजूद होंगी है जैसे अस वायरल एनवलोप छींदा आयो सिंपलेस्ट वायरस के अंदर स्ट्रक्चर की गाल क्यों तो उनमें सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए मौजूद होंगे माना सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल्स उनके बारों एक कैप्सिड मौजूद होंगी है जो मुख्तलिफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की सिंथिसाइज कर जैसे तो बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज जो असो कम्प्लेक्स वायरस है वो पांच मुख्तलिफ किस्म जो उनमें प्रोटीन मौजूद होंदा जो उनकी हेड भी सिंथिसाइज कंदा टेल भी कंदा मॉलिक्यूल ऑफ कैप्सिड भी ठेंदा उनकी बेस प्लेट ऑफ टेल भी ठेंदा टेल फाइबर्स भी सिंथिसाइज कंदा माना ये खड़ी चाहूँ तो बस सिंपल जो वायरस है सादे किस्म जो वायरस है सादे किस्म के वायरस में सिर्फ छा होंदो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए या आरएनए मौजूद होंदो या उनमें मुख्तलिफ जो है कैप्सिड मौजूद होंदो है जो एक न्यूक्लिक एसिड जैसे अंदर इनक्लोजिस होंगे बाकी कंप्लेक्स जो वायरस है उन कंप्लेक्स वायरस के अंदर ही असर मुख्तलिफ प्रोटीन है जो उनकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है तुम ऐसी पाया डायग्राम के अंदर काफ़ी असा ये सजा असाजे ये असर कंप्लेक्स वायरस है तो इनके अंदर इनमें आरएनए मौजूद है अलग सा एंजाइम मौजूद है कैप्सिड मौजूद है एनवलप मौजूद है या इन डीएनए आरएनए प्रोटीन मौजूद है इनमें फाइव मुख्तलिफ किस्म जो प्रोटीन है जो उनकी सजी जो है स्ट्रक्चर या हेड थी वो टेल थी वो ये सजा जो है उनकी पांच मुख्तलिफ किस्म जो उनमें प्रोटीन है वह सिंथिसाइज कंदा तो इन हवाले से इट्स इनफ इन दिस लेक्चर ये जनरल जो इंट्रोडक्शन हो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस एंड डिस्कवरी ऑफ वायरस थैंक यू बेटा अल्लाह हाफिज टेक केयर।